मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट थी गुना। इस चुनाव पर सबकी पूरे देश की निगाह थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजय हासिल की है। राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस के हैं, उनको शिकस्त दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का चुनाव शेफाली जी इसी गुना से हारे थे कांग्रेस में रहते हुए। हारने के बाद उन्होंने ये सबक लिया था कि एक भी दिन उन्होंने गुना सीट को नहीं छोड़ा। भरपूर कोशिश की वो अपने एक एक वोटर से वन टू वन मिले। उनका पूरा परिवार प्रचार में उतरा हुआ था, जिसका नतीजा अब उनको हासिल हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी से अपनी जीत दर्ज करा ली है और गुना के राव यादवेंद्र सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो हार चुके। मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी माधवी राजे सिंधिया जी का स्वास्थ्य खराब था। वो दिल्ली एम्स में भर्ती थी और बीच बीच में अपनी माँ से मिलने जाते थे, फिर चुनाव प्रचार में पूरा परिवार लग जाता था। बड़ा विषम चुनाव था उनके लिए, लेकिन ये जीत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, उन्होंने परिवार और चुनाव के बीच में दोनों में से किसी का दामन नहीं छोड़ा। वो माँ का स्वास्थ्य का हालचाल लेने दिल्ली जाते रहे और यहाँ पर वोटर से भी मिलते रहे, जिसका नतीजा है, हालांकि इस बीच उनके माँ का देहांत हुआ, उनके साथ सहानुभूति सबकी रही और अब उनको जीत हासिल हो चुकी है।